वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द मेटेरियल्स एंड मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर्स और सोनोरस, कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी जो आपने वन बाय वन स्टडी की, ठीक है। तो अब मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है उन डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे आपको मतलब दोनों में डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है एज वेल एज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने स्पेशली कोई वीडियो नहीं बनाया भाई, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, तो सेकंड वीडियो जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे ये होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स मैंने इसी के अंदर ही कंबाइंड करके एक टॉपिक बना दिया है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। क्योंकि कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल्स की, तो मैंने दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो कंपेयर कर दी। इससे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स नॉन मेटल्स की भी मतलब मेटल्स की रिवाइज हो जाएंगी और नॉन मेटल्स की आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है मेटल्स, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्शनल मरकरी, HG होता है मरकरी भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये है मरकरी, मरकरी का सिंबल ठीक है HG होता है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं मरकरी, ठीक है मरकरी, मरकरी का सिंबल, ठीक है सिंबल, मरकरी को हम HG सिंबल से भी नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी सब मेटल्स हैं वो जनरली जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। देखो मेटल की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल जनरली सभी जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मरकरी, मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी मेटल्स की अगर हम बात करें तो सभी मेटल जो है ना वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मरकरी अकेला लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड भी होती हैं, वो लिक्विड भी होती हैं, वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में जो नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटल्स आर लस्टर्स। लस्टर्स मीन्स मेटल्स में एक खास चीज होती है कि वो चमक मारती है, ठीक है। जब भी कोई न्यू आइटम हम खरीदते हैं, मेटल, मेटल का कोई भी मटेरियल हम खरीदते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत चमक मारता है, ठीक है। जैसे कि आयरन, आयरन से ले लीजिए तो आयरन मार्केट से खरीद के लाओगे तो बहुत चमक मारेगा, दैट इज द लस्टर्स। गोल्ड भी चमक मारता है, सिल्वर चमक मारता है, ठीक है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज, उनका जो सरफेस है वो शाइन करता है, सरफेस जो है लस्टर्स करता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स का सरफेस जो है वो लस्टर नहीं करता है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शनल केस भी रहेगा, जैसे कि आयोडीन हो गया, इसका एक्सेप्शनल केस है वो जो है लस्टर्स करता है, वो चमक मारता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट मेटल्स के लिए लिखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मेटल्स, सभी मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सभी के सभी जो है गुड कंडक्टर्स होती है, ठीक है। लेकिन हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है गुड कंडक्टर नहीं होती है, वो होती है पुअर कंडक्टर, ठीक है। पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर बोलिए, ठीक है, इसको हम इंसुलेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, बात एक ही है, मतलब जो जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास ना करे उसे हम इंसुलेटर भी कह देते हैं, ठीक है, उसे हम बैड कंडक्टर भी बोल देते हैं, उसे हम पुअर कंडक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नॉन मेटल्स क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है, ठीक है, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के एक नॉन मेटल का एग्जांपल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है कार्बन का बनता है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप भी बोलते हैं, ये आपका 10th क्लास में आएगा। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रेफाइट जो है ना पेंसिल में जो जो वुडन के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो रिमोट की बैटरी है, उसकी बैटरी को कभी हम तोड़ के देखेंगे तो उसके बीच में एक ब्लैक कलर की रोड होती है, वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक ही मतलब एक्सेप्शनल केस इसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बाकी सब जो है बैड कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट मेटल के लिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, मेटल्स आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल। तो स्टूडेंट्स मेलेबल क्या होता है, मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसे थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ मेलेबिलिटी। अगर हम बात करें
डक्टिलिटी के, तो डक्टिलिटी क्या होते हैं, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनको पतली वायर में चेंज किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डक्टिलिटी मेटल्स में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम समझा रहे हैं आपको कि मेटल्स में डक्टिलिटी भी होती है और मेलेबिलिटी भी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल रहती है ये, ठीक है। तो ये मेलेबिलिटी और इनके अंदर जो है डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। उसके बाद है अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेटल किस टेम्परेचर के ऊपर जाकर के पिघलती है, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे घर में जो तवा है वो मेटल का है, आप देखो कितना हीट देते हैं, जो लोहे की कढ़ाई होगी, मेटल्स के बहुत सारे बर्तन हैं जो बिल्कुल बर्नर के ऊपर रखते हैं, कितना गर्म कर लेते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है। अब आप प्लास्टिक को रख के देखिए, वो तो पिघल जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप 5 डिफरेंसेस याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी रह गया। एक्सेप्शनल केस है डायमंड। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्ड, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है वो डायमंड ही है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपको बता दूं लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है, 3300 इतना ही होगा। तो स्टूडेंट्स डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हमने कंपेयर किया है, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता ही है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एक्सेप्शनल केस है ग्रेफ डायमंड का, ठीक है। डायमंड किससे तैयार होता है? डायमंड भी कार्बन का बना है, ठीक है। तो कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है, कार्बन से ही डायमंड बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा डायमंड जो होता है ना, वो डायमंड और ग्रेफाइट में बात करें तो डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, तो डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में से हो जाती है, दोनों बने कार्बन के। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हायर क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिकली जो डिफरेंस बताए हैं, वो फिजिकली प्रॉपर्टीज में उनके डिफरेंस आप लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें, द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स इज द, तो आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे मेटल्स के, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, सोडियम, पोटाशियम। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? मेटल्स के लिख लीजिए। नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के भी, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इतने सारे एग्जांपल्स हम कितने मर्जी लिख लें, लेकिन जब डिफरेंस आप बता रहे हैं तो उसके अंदर आप लिखना चाहें तो मेटल्स के 3 से 4 एग्जांपल मेटल्स के लिख लीजिए और 3 से 4 एग्जांपल नॉन मेटल्स के लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो ये हो गया हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिकली डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इन सभी डिफरेंसेस को नोट कर लीजिए।